नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो रक्षाबंधन के विषय पे है। रक्षाबंधन के विषय में वो सारी बातें आप लोग जानेंगे, 10 ऐसी बातें जिसको आपको ध्यान देना है और ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन 10 बातों पर यदि आप ध्यान देते हैं तो आपका जो रक्षाबंधन का त्यौहार है ये पूरी तरह से शुभ होगा, मंगलमय होगा और पूरी तरह से खुशहाली से आप इस त्यौहार को मनाएंगे। तो सारी बातों को आप लोग समझ लीजिएगा। पूर्णिमा की तिथि है, पूर्णिमा व्रत भी धारण किया जाता है, सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण किया जाता है। कहने का अर्थ, रक्षाबंधन के साथ साथ ये जो तिथि है, ये जो दिन है, ये बहुत ही खास, बहुत ही उत्तम और बहुत ही श्रेष्ठ दिन है। तो सभी बातों को यदि हम देखें, चाहे रक्षाबंधन के त्योहार के रूप में या फिर पूर्णिमा तिथि के रूप में, सावन माह की पूर्णिमा है, तो सभी दृष्टि से यह दिन बहुत ही उत्तम और बहुत ही श्रेष्ठ हो जाता है। और राखी के त्योहार पे, रक्षाबंधन के पर्व पे आपसे कोई भी ऐसी गलती ना होने पाए जिससे कि आपका राखी का त्योहार फीका पड़े। बिल्कुल भी ये फीका नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल ही खुशहाली से और बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ आप अपने भाई बहन के इस पवित्र त्योहार को मनाएं। तो इन 10 बातों को समझ लीजिए, आपसे बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए और कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो सारी बातों को समझने के लिए वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आप सभी भाई बहनों को राखी की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही सावन पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। पहली बात, 31 अगस्त को स्नान दान की पूर्णिमा है, 30 अगस्त को व्रत की पूर्णिमा है। दोनों ही दिन आप लोग चाहे 30 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाती हैं या 31 अगस्त को, क्योंकि ये त्योहार 30 अगस्त को भी मनाया जाएगा रात्रि में 9:02 के बाद, और 31 अगस्त को प्रातःकाल 7:05 से पहले ये त्योहार मनाया जाएगा भद्रा के कारण। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। तो पूर्णिमा तिथि है, जिस दिन भी आप त्योहार मनाएं समय का ध्यान रखिएगा कि 30 अगस्त को आप रात्रि में मनाएंगे और 31 अगस्त को आप प्रातःकाल मनाएंगे। दोनों ही दिन आपको सबसे पहला कार्य सुबह उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करनी है। श्री गणेश भगवान जी, श्री कृष्ण भगवान जी, कहने का अर्थ सभी देवी देवताओं से आपको आशीर्वाद लेना है। सावन माह समाप्त हो रहा है और रक्षाबंधन का पर्व भी है। दोनों ही बातों को यदि देखा जाए तो आपको सबसे पहले भगवान के समक्ष आशीर्वाद लेना है। दूसरी बात आपको ध्यान देना है कि सबसे पहली राखी आप भगवान के श्री चरणों में अर्पित करेंगे। भगवान गणेश जी को, भगवान श्री कृष्ण जी को, हनुमान जी को आप अर्पित करेंगे। रक्षा सूत्र, जो सूत होता है, रक्षा सूत्र होता है, वही असली रक्षाबंधन है, वही असली राखी है। आप अर्पित करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद भाई की, जो आपकी राखी है, जो आपको भाई को बांधना है, उसे भी आप भगवान के चरणों में अर्पित करके ही अपने भाई को बांधेंगे। आप किसी भी समय बांधें, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। इससे आपके भाई को भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। तीसरी बात क्या ध्यान देना है, आप इस पर्व पर बहुत सारे मिष्ठान खरीदती हैं, बहुत सारी मतलब मिठाइयां अपने भाई के लिए बहनें बहुत ही प्यार से खरीदती हैं। खास करके इस समय तो चॉकलेट है, केक है और तरह तरह के इस तरह की जो टॉफियां हैं, चॉकलेट है, भाई को पसंद है तो बहनें खरीदती हैं। आप बिल्कुल खरीद, मैं बिल्कुल भी इस बात से आपको रोक नहीं रही हूँ कि आप ना खरीदें, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा इस पवित्र और पावन त्योहार को। मेरी सभी बहनें ध्यान दें, चाहे आपके भाई छोटे हों या बड़े हों, सबसे पहले दही गुड़, चाहे थोड़ा सा ही, आधा चम्मच थोड़ा सा ही आप खिलाएं, दही गुड़ या नारियल, श्रीफल जिसे कहा जाता है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है हर मांगलिक कार्य में, आप अपने भाई को थोड़ा सा ही खिलाएं। उसके बाद अन्य मिठाइयां आप अपने भाई को खिलाकर रक्षाबंधन बांधें। ये चॉकलेट वगैरह खिलाकर राखी आप लोग बिल्कुल ही मत बांधिएगा। तो दही गुड़ या नारियल खिला दीजिएगा थोड़ा सा ही, उसके बाद आप जितनी मिठाइयां चाहें खिला सकती हैं। चौथी बात आपको ध्यान देना है, आपकी जो राखी है, आप बहुत ही सुंदर राखी खरीदती हैं प्रेम से, स्नेह से, लेकिन आपके राखी में किसी भी प्रकार के काले रंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चाहे उसका धागा हो, चाहे उसमें डिजाइन हो, वो काले रंग की नहीं होनी चाहिए। एक बात और ध्यान देना चाहिए, कभी जो बहनें राखी खरीदती हैं उसमें भगवान का चित्र बना होता है, बहुत ही प्रेम से खरीदती हैं, लेकिन उस राखी को बांधने से पहले आप ध्यान दें कि आपके भाई कभी भी उस राखी को जब भी उतारे, यदि बहुत छोटे भाई हैं आपके, तो बच्चे क्या होता है कि राखी बंधवा लेते हैं बहुत शौक से, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे उतारने लगते हैं, उसे फेंकने लगते हैं निकाल के।
तो ध्यान दीजिएगा कि वो राखी ऐसा ना हो कि भाई हाथ से उतार कर इधर उधर फेंक दें और वो कहीं पैर पड़े या कहीं गंदे जगह पे चला जाए, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा यदि आप भगवान की चित्र वाली राखी बांधती हैं। पांचवी बात आपको क्या ध्यान देना है कि जो भी बहनें रक्षाबंधन बांधती हैं, चाहे वो सुहागिन हो चाहे वो कुंवारी हो, बिल्कुल भी काले वस्त्र पहनकर आप लोग राखी मत बांधिएगा। रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर आप राखी बांधे लेकिन काले वस्त्र पहनकर राखी मत बांधिएगा। छठी बात आपको ध्यान देना है, भाई के सर पर वस्त्र जरूर होना चाहिए, रुमाल जरूर होना चाहिए। सातवीं बात आपको क्या ध्यान देना है कि भाई और बहन का मुख जो है वो पूरब और पश्चिम की दिशा में ही होना चाहिए। आठवीं बात आपको क्या ध्यान देना है कि जब भाई राखी बंधवा लेते हैं तो बहुत से भाई ऐसे होते हैं कि उस राखी को बहुत दिनों तक रखते हैं, बहुत से भाई 24 घंटे के बाद उतार देते हैं और बहुत जो छोटे बच्चे हैं वो तुरंत ही उतारने लगते हैं। तो राखी पर जब बहुत छोटे जो बच्चे हैं उनको तो मान लीजिए परिवार के और सदस्य हैं माता पिता, तो ध्यान देना होता है कि रक्षाबंधन इतना ये पवित्र बंधन है कि इसको निकाल कर इधर उधर बिल्कुल ना फेंके। जैसे मैंने पहले बताया भगवान के चित्र से संबंधित वो बात अलग है, लेकिन जो ये साधारण राखी भी है आपने जो भी बांधा है रक्षा सूत्र उसे आपके जो भाई जब निकालते हैं तो ये आप समझ लीजिए कि उसे या तो किसी पौधे में बांध दें, किसी पेड़ की डाल में बांध दें या किसी ऐसे स्थान पर ले जाकर रख दें जहां पर किसी का पैर ना पड़े, कोई गंदगी ना हो। रक्षा सूत्र का इतना अधिक महत्व होता है। तो कभी भी अपने भाई से भी ये बात जरूर बता दीजिएगा यदि वो छोटे हैं या बड़े हैं कि रक्षाबंधन को निकाल कर कहीं इधर उधर बिल्कुल ना फेंके, इससे उस रक्षाबंधन का अपमान होगा और कहीं ना कहीं भगवान जी भी इससे रुष्ट होते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन जो है ये बहुत ही शुभ और पवित्र बंधन होता है। अब नौवीं बात आपको क्या ध्यान देना है कि इस दिन देखिए बहुत इस दिन पकवान बनते हैं, व्यंजन बनते हैं, तरह तरह के घर में चीजें बनती हैं, त्योहार है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि इस दिन पूर्णिमा भी है, पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है, स्नान दान की पूर्णिमा होती है, सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण होता है। तो कहने का मतलब केवल रक्षाबंधन नहीं है, वैसे भी ये बहुत ही विशेष बहुत ही श्रेष्ठ तिथि है। तो आपको अपने घर में तामसिक भोजन नहीं बनाना है, हो सके तो इस दिन लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें, यदि कर लेते हैं तो आप कम से कम मांस मदिरा इन सब चीजों का आपके घर में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होना चाहिए और घर के कोई भी सदस्य मांस मछली इत्यादि का सेवन बिल्कुल इस दिन भूल कर भी ना करें। वैसे भी सावन का माह है, सावन का अंतिम दिन है, तो आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिएगा। दसवीं बात क्या है, जिन भी बहनों के भाई दूर हैं, मान लीजिए वो ऑनलाइन उन्होंने राखी भेज दी, वो नहीं पहुंच पा रही हैं, अब तो ऑनलाइन राखी भेजने का चलन हो गया है, पहले तो पोस्ट के द्वारा राखी जाती थी। भाई और बहन दूर दूर हैं, वो नहीं पहुंच सकते हैं, ना भाई पहुंच सकते हैं ना बहन पहुंच सकती है, तो ऐसे में इस दिन बहने या भाई दोनों के लिए ही मैं बता रही हूँ कि अपने बहन के पास और बहन अपने भाई के पास फोन करके वीडियो कॉल करके, अब तो बहुत ज्यादा सुविधा हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने भाई से आप लोग बात करें और जिस समय में आप राखी बांधना चाहती हैं उस समय आप कॉल करके अपने भाई से बोलें कि मेरी तरफ से भाई अपने कलाई पे आप राखी बांध लो और आप आशीर्वाद दें अपने भाई को, अपने भाई के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करें। तो ऐसा नहीं है कि आप दूर हैं भाई तो आपने राखी भेज दी तो आपका काम खत्म हो गया, इस दिन आप समय निकालकर अपने भाई से जरूर बात करें, बड़े हैं तो आशीर्वाद लें, आपसे छोटे हैं तो आप उनको आशीर्वाद दें, तो इस तरह से जो भाई बहन का स्नेह है प्रेम है ये हमेशा बना रहता है। दूर रहने से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि जो प्रेम होता है वो तो हृदय में होता है, भाई बहन का प्रेम दूर रहने से कभी खत्म नहीं हो सकता है। तो आप चाहे पास जाकर राखी बांधे या दूर से आपके भाई आपकी भेजी हुई राखी बांधते हैं, तब भी आप अपने भाई से बात जरूर करें इस दिन। इन 10 बातों का ध्यान जरूर आप लोग दीजिएगा, साथ में पूर्णिमा तिथि है तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। पूर्णिमा तिथि का संपूर्ण वीडियो व्रत का और स्नान दान का चैनल पे आ चुका है, आप लोग जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो आप सभी लोगों को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमः शिवाय।